सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों कल मतलब 30% को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो गई, जो नया क्रिप्टो टैक्स निकल गया है। मतलब हमारा दोस्तों जो हुआ है इस बार का यूनियन बजट 2022-2023 को लेके, उसमें काफी सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े हुए। तो आज आप इस वीडियो को कभी लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी बजट के बारे में, बात करते हैं क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या कुछ नया हमको मिलने वाला है, मजा बहुत बेहतरीन मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां बिना मैंने अभी इसको कंपाइल करने के बाद में पूरे बजट को जब भैया देखा और समझा सुना जाना, तो जितना मेरी समझ से दोस्तों मैं कंपाइल कर पाया टेक दुनिया में क्या कुछ नया मिलेगा ना, वो मैंने सारा कुछ अभी नोट कर लिया। और हम अभी यही डिस्कस करेंगे आखिर क्या कुछ हमको नए नए मिलेंगी चीजें, महंगा सस्ता क्या है और कहां कहां कैसे कैसे ये बजट हमको फायदा देने वाला है। तो यहां पर दोस्तों हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले 5G के साथ में। 5G को लेके फोन तो खैर बहुत सारे होंगे मार्केट में, 5G का क्या, 5G कब आएगा? तो यहां पर दोस्तों बजट में कंफर्म कर दिया गया है कि जो ऑक्शन होने वाला है स्पेक्ट्रम का, वो दोस्तों होगा इसी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के दौरान, और जो 5G का रोल आउट है वो भी कर दिया जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान। अब इसका मतलब यह है कि 2022 का टाइम भी है, थोड़ा सा टाइम 2023 का भी रहेगा हमारे पास में। दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली कि कैसे कैसे चीजें आगे प्रोग्रेस करती हैं। वैसे काफी कंपनीज तो रेडी हैं ही फिलहाल के लिए 5G को लेके, अब बस बात है तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन वगैरह की, थोड़े से ट्रायल की, और उसके बाद में हम देख पाएंगे बढ़िया तरीके से 5G के रोल आउट को होते हुए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं तो फार्मिंग सेक्टर में दोस्तों हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, मतलब यहां पर दोस्तों किसान ड्रोन की हम बात कर रहे हैं। और यहां पर मतलब बेसिकली काफी अलग अलग तरीके से ये दोस्तों मदद करने वाला है फार्मर्स की, इन टर्म्स ऑफ आप जानते हैं कि यार ड्रोन से हम कैसे कैसे खेती में नए नए एडवांसमेंट्स लेके आ सकते हैं। फिर चाहे दोस्तों वो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना हो, चाहे हम बात करें एकदम बढ़िया अच्छे एक्यूरेसी से पूरे फसल को मॉनिटर करना हो, या दोस्तों बात करें अगर मैन पावर रिडक्शन की, मतलब काफी अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं ये असिस्ट करेंगे खेती में। तो यहां पर दोस्तों हम ड्रोन्स को फार्मिंग सेक्टर में यूज देखेंगे और ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं आगे तो हमारे पास में फिर यहां पर दोस्तों जो डेटा सेंटर है या फिर जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दोस्तों जितने भी हैं ऐसे सेंटर्स हैं, उन सबको अभी दिया जाएगा स्टेटस इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि दोस्तों उनकी फाइनेंसिंग वगैरह काफी आसान हो जाए। और हम जानते हैं यार इंडिया में दोस्तों डेटा सेंटर्स वगैरह जो है वो अभी कितने अच्छे से एस्टैब्लिश हैं और आगे और होंगे भी। मतलब हम चाहते हैं ना कि कंपनीज इंडिया में अपने डेटा सेंटर्स दोस्तों जो है वो एस्टैब्लिश करें, तो सोचो हमको कितना फायदा मिलेगा। तो अब जब इनको दिया जाएगा स्टेटस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो ऐसे में उनको फाइनेंसिंग वगैरह काफी आसान हो जाएगी और हम देखेंगे काफी सारे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स या डेटा सेंटर्स वगैरह इंडिया में एस्टैब्लिश होते हुए। दोस्तों यहां पे इसके अलावा अभी अगला जो पॉइंट है वो है ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी का रूरल एरियाज में। मतलब ये हम दोस्तों जानते हैं कि आज की डेट में कहीं ना कहीं हमें कमी खलती है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लेवल का गांव तक पहुंच नहीं पाया है। लेकिन अभी दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट की कोशिश यही रहेगी, और जो भी दोस्तों यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड के एनुअल कलेक्शंस हैं उसका 5% जो है वो इस चीज के ऊपर लगाया जाएगा कि कैसे रूरल और जो रिमोट एरियाज हैं दोस्तों कंट्री के, वहां पे हम इनेबल कर सकें ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को, ताकि यहां पे दोस्तों जो रेजिडेंट्स हैं वो भी जुड़ सकें सीधा जो गवर्नमेंट की डिजिटल स्कीम्स हैं उनके साथ में, और ऐसे में एक्टिविटी जो है उसको हम एक अच्छे से सीमलेस तरीके से एस्टैब्लिश कर सकें। साथ में दोस्तों यहां पे अगर बात करता हूं तो पढ़ाई लिखाई के अंदर काफी कुछ नया होने वाला है, जहां पे डिजिटल यूनिवर्सिटी को दोस्तों एस्टैब्लिश किया जाएगा, जहां पे तरह तरह के दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज होंगे, पैन इंडिया स्टूडेंट्स उसमें अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और यहां पे दोस्तों जो टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो कोलैबोरेट करने वाली है इस नेटवर्क में, तो मतलब काफी अच्छी टॉप क्वालिटी की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमको मिलने वाली है इसी नई डिजिटल यूनिवर्सिटी में। और यहां पर दोस्तों इसी के साथ साथ में बैंक्स के अंदर भी डिजिटल का काफी अच्छा मेजर रोल होने वाला है, जहां पे कुछ 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया में तो जब से हुआ डिमोनेटाइजेशन उसके बाद से मतलब आज के डेट में कितना आसान हो गया है, हम बात करते हैं पेटीएम, फोन पे, ये वो, भीम, गूगल पे, UPI, मतलब ये चीज दुनिया में पता एग्जिस्ट नहीं करती इतने जल्दी। इंडिया में हम कितने अच्छे तरीके से ऑलरेडी डिजिटली काम कर रहे हैं, लगता है कि डिजिटल बैंकिंग के बारे में और अगर हम बात करेंगे तो काफी हमारा फायदा ही होगा। यहां पर दोस्तों अब जो अगली न्यूज है ना वो बहुत खास है, और वो है सभी गेमर्स को लेके, सभी लोगों को लेके। तो मतलब यहां पे अभी एक नई टास्क फोर्स दोस्तों बनाई जाएगी, जो है AVGC, बोले तो एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स
साथ में दोस्तों है ये गेमिंग और कॉमिक्स, मतलब AVGC, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। अब यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को अपना करियर यहाँ पे बिल्ड करना है, जो लोग इस फील्ड में आगे कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक नया मौका निकल के आया है। जो ऑल द गेमर्स या जो वीडियो इफेक्ट्स वाले जो लोग हैं, जो एनिमेशन के लोग हैं, वो सब अभी आगे और एनहेंस कर पाएंगे अपनी स्किल्स को, और आगे उनके लिए नौकरियां या जैसे दोस्तों मार्केट ओपन होगा तो काफी अच्छे से नए नए मौके मिलने वाले हैं। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर बात करता हूँ मोबाइल वगैरह की, भैया क्या सस्ता क्या महंगा, तो यहाँ पर दोस्तों मोबाइल चार्जर वगैरह जो हैं या जो चीज़ें हैं कुछ कुछ, फॉर एग्जांपल लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वेरिएबल्स वगैरह की, उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया जाएगा। साथ में दोस्तों ऐसे में जो कस्टम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं बेसिकली फिलहाल के लिए, वो दोस्तों कम की गई हैं मोबाइल फ़ोन चार्जर्स की, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह की, कैमरा लेंसेज वगैरह की, जहाँ पे मतलब इंडिया में दोस्तों कोई चीज़ बनती है लेकिन आप जानते हैं कि कई बार कॉम्पोनेंट्स बाहर से आते हैं, तो वो ताकि इंडिया में जब आए तो कम लागत पड़े और कंपनीज को और प्रमोशन मिले कि वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इवेंचुअली खैर हम जानते ही हैं कि इंडिया में आगे चल के हम चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो सब भी होते हुए देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल फोन्स के थोड़े सस्ते होने की तरफ इशारा कर रही हैं चीज़ें। आगे अब ये कंपनीज कैसे ये पैसा का फायदा हम तक पहुंचाती है वो एक अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली हमको थोड़े चीपर मोबाइल फोन्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे बात करता हूँ आगे बढ़ते हुए, तो हमारे पास में फिर हम बात करते हैं डिजिटल रुपी की, मतलब डिजिटल रुपी दोस्तों आने वाला है। RBI जो है वो इसको इशू करेगी 2022-2023 के दौरान, और यहाँ पर दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा, और ऐसे में एक काफी इंटरेस्टिंग डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, इंडिया का अपना डिजिटल रुपी। मतलब यार ये बहुत सही चीज़ है, जहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एफिशिएंट, काफ़ी चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा। आप जो है वो हो सकता है अपने एसेट्स को चाहें तो डिजिटल रुपी में रख सकते हैं, मतलब ये एक अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है। देखते हैं कि RBI इसके बारे में और आगे क्या हमको इन्फॉर्मेशन देती है। और इसी के साथ साथ जहाँ दोस्तों जो लास्ट अपडेट मैंने रखा है वो रखा है मैंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो यार देखो क्रिप्टो की बात ऐसी है कि जो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आज तक अभी वो एम्बिग्युटी वाला स्टेट में थी कि यार क्या वो लीगल है नहीं है, क्या है पूरे पूरे नॉर्म्स, फिलहाल दोस्तों अब इतना मानो यू कैन फ्रीली इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। आप जो चाहे वो आप इसे इन्वेस्ट कीजिए, जैसा आपको ट्रेड करना है आप ट्रेड कीजिए। अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो 30% जो है प्रॉफिट का हिस्सा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, और ये कहीं ना कहीं एक हम रेगुलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इवेंचुअली आगे दोस्तों देखेंगे कैसे और गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है क्रिप्टो को, लेकिन फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छी बात है आप सब लोगों के लिए जो आप इन्वेस्ट वगैरह करते हैं बिटकॉइन में। आपको लगता है कि यार क्या ये बाद में बैन तो नहीं हो जाएगा, ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा, तो आप इतना समझ लो कोई बैन कोई ब्लॉक कुछ नहीं है। मजे की बात ये है कि आप बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। 30% का यहां पे क्रिप्टो करेंसी टैक्स लगाया गया है जो आपके प्रॉफिट्स आप बुक करते हैं उनके ऊपर, अगर लॉस हुआ तो कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया में भी, बाकी मैंने खैर आपसे बात कर ही ली है। यार मुझे तो काफी लगता है देख के, जहां पे हमको मालूम चलता है कि यार टेक में कैसे हम आगे और इवॉल्व कर पाएंगे। आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा नीचे मुझे कॉमेंट करते हुए जरूर बताना, जैसे 5G के लिए कितना इंतजार कर रहे हो वो भी नीचे लिख के बता ही दो दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।